बुझाबो पाई काहे बुझाबो पाई मन के अंधे अपना बुझो मन के अंधे अपना बुझो काहे बुझाबो पाई काहे बुझाबो पाई जन्म वृथा जाई जन्म वृथा जाई मन के अंधे अपना बुझो मन के अंधे अपना बुझो काहे बुझाबो पाई काहे बुझाबो पाई पंडिया कवन को मत तुम लागे पंडिया कवन को मत तुम लागे बूढ़ोगे परिवार सगल सियो बूढ़ोगे परिवार सगल सियो राम ना जपो अभागे राम ना ज
जपो अभागे। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खारे चंदन जसुहारा, खर चंदन जसुहारा, राम नाम के गत नहीं जाने कैसे उतर सुपारा, राम नाम के गत नहीं जाने कैसे उतर सुपारा, कैसे उतर सुपारा, मन के अंधे के अंधे आप ना बुझो, मन के अंधे आप ना बुझो, काहे बुझाओ पाई, काहे बुझाओ पाई, मन के अंधे अपना बुझो, मन के अंधे अपना जी बधो, अर धर्म कर थप, जी बधो अर धर्म कर थप, अतर्म कहो किछु भाई, अतर्म कहो किछु भाई, आपस का मुनवर कर थाप, आपस का मुनवर कर थाप, कौ कहो
कहो कसाई। कहो कहो कसाई, मन के अंधे आप ना बुझो, मन के अंधे आप ना बुझो, काहे बुझावो पाई, काहे बुझावो पाई, काहे बुझावो पाई, माया कारण आप
ना बुझा मन के अंधे आप ना बुझा काहे बुझावो भाई काहे बुझावो भाई काहे बुझावो भाई मन के अंधे आप ना बुझो मन के अंधे आप ना बुझो पंडिया पंडिया कवन कुमत तुम लागे पंडिया कवन कुमत तुम लागे बूढ़ोगे परवार सकल स्या बूढ़ोगे परवार सगल सो राम ना जपो अभागे वेद पुराण पढ़े का क्या गुण आप ना बुझो वेद पुराण पढ़े का क्या गुण क्या पढ़िए क्या गुणिए क्या वेद पुराण सुनिए पढ़े सुने क्या होई क्या गुण पढ़े सुने क्या होई पढ़ पढ़ गड्डी लदी पढ़ पढ़ भरिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड़िए खात पढ़िए जेते बरसु बरसु पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सांस नानक लेखे एक गल होर हमें नानक लेखे एक गल होर हमें चखना चाक वेद पुराण पढ़े का क्या गुण आप ना बुझो खर चंदन जसो महारा
कई बार इस लाइन दी विचार हो चुकी है। खोते थे चंदन दी पांड लद ले जाए, उस विचारे नु की पता नहीं जानदा हिंद विच खुशबू है, नहीं जानदा ए आम लकड़ा वांगू साधारण लकड़ नहीं कीमती है। उन्दे वास्ते तां एक पहाड़ी लद्दिया होया है, कदों उतरे उड़ीकदा है। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खार चंदन जासो बहारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरे सुपारा। जी बदो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत भाई। धर्म नाम थले, धर्म नाम थले ते फिर अधर्म किनू आखोगे। अमृत की व्याख्या चल रही थी, उन्होंने दिनों में भी अर्ज की कि गुरमत की एक महान सोच है कि इनू धर्म विच शामिल नहीं करना। धर्म नहीं, पर केड़ी अजीब गल है, मुसलमान ने भी जी बदो नू धर्म भी शामिल कर लिया। वो कहिंदा जदों कुठा करो नाल नाल कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ना जरूरी है, धर्म नू नाल संबंधित करो। केड़ी अजीब गल है, ब्राह्मण ने भी जिन्ने जी बदो है सारिआं नूं धर्म विच शामिल कर लिया। उन्हूं जी बदो नूं धर्म विच शामिल कर लिया, बलि देण विच लफज वर दित्ता है, फलाने जानवर दी बलि देनी है, फलाना देवी देवता खुश होंदा है, फलानी देवी नूं प्रसन्न करना है तां बलि देनी पैगी। पिछले दिनों विच मैं तुहाडे नाल सांझी कीती सी गल कि किसी ने इत्थों तक हिम्मत कर ली कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जदों नैणा देवी दे पहाड़ ते ब्राह्मण नूं बुला के देवी नूं प्रसन्न करन लई हवन किया, तो उत्थे वो लफज किसी होर ग्रंथ विच नहीं, ये चीज़ तुहाडे नाल सांझी हो चुकी है कि श्रोमणी कमेटी वालों छुपवाए हुए सिख इतिहास जिंदे ते अजकल केस भी चल रहा है, उन्दे विच लिखे हुए लफज ने, हिंदी विच लिखाया हुआ सिख इतिहास जिंदे ते श्रोमणी कमेटी की मोहर है। सदा बलदेव सिंह सिरसा ने केस किया हो, केस चल रहे उन्दे विच ये लफज कि ब्राह्मण ने गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं आख्या देखी कि जदों देवी प्रगट हो घबरा ना जाई, नहीं तो हवन बिरथा चला जाएगा। ओ ही होया
ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਹਮਨ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਰੀਝੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹਰ ਹਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਗੰਡਾ ਮਾਰ ਹੋਮ ਜਾਤੀ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੀ ਬਾਣੇ ਅਸ਼ਮੇਧ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਜਗਮੇਧ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਲੀ ਗੋਮੇਧ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣਿਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਠੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਦੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪੋ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਧਰਮ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਗੁਣਾਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਬਦੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਰੱਤ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਖੂਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਲੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖੌਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਧਰਮ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਧਰਮ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਦੌਲਤ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੂੰਗਾਂ ਦਾਨ ਕਰੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖ ਦੇਵੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਅਸਦਾਨ ਗਜਦਾਨ ਸੇਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਮਦਾਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਧਰਮ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ
हैरान होना, सानू अपना इतिहास याद नहीं। जिस हिंदुस्तान की धरती ते धर्म नाम थले अजमत लुट्टी जाती रही, उत्थे ही कोई ऐसा धर्म पैदा किया गया जिहड़ा लोगों की अजमत इज्जत बचा के उन्होंने घर पहुँचाता रहे। वो कौन सी कि वह भी गूंगा हो गया, वह भी अंधा हो गया? सोचना तो यह इसे धरती ते धर्म नाम थले समाज की इज्जत लुट्टी जाती रही, क्योंकि धर्म के नाम थले सी इसलिए कोई नहीं बोलिया, कोई नहीं बोलिया। धर्म नाम थले लोगों की दौलत लुट्टी जाती रही, कोई नहीं बोलिया, क्योंकि धर्म नाम थले। धर्म का मतलब यह नहीं कि थोड़ी बोल खत्म कर देवे, अंधा ते गूंगा कर देवे। गुरु नूं इह गल बाणी विच कहनी पई, कहन लगी अंधे गूंगे अंध अंधार। अंधा जिन्हों दिसदा ना होवे, गूंगा जेड़ा बोलन तो असमर्थ होवे, बोल ना सकदा होवे। मनुख दो ही ढंग नाल किसी चीज नूं पछाण ते इक ते दस सकदा है ना, आवाज देनी। लोग कहावत बनी हुई है, कहावत बनी हुई है कि पढ़ियो जिंदे कोल समर्था ना होवे वो रो तो सकदा है ना, मरदे दी कोई बाह नहीं फड़ेगा, अड़ नहीं सकता मजबूरी, तो फिर वो की करेगा, रोएगा। रोना मनुख की एक मजबूरी है, पर जिंदी जबान ही ना होवे, जिहड़ा गूंगा ही हो जाए वह तो रोन जोगा भी ना रहा। गुरु नूं बाणी विच एक गल कहनी पई, अंधे गूंगे अंध अंधार, पत्थर ले पूजे मुग्ध गवार। हुण सोचना यह है कि यह हालात कोई दो चार दस भी पंजा साल दे नहीं, सदियां पुराने ने, जुगां पुराने ने। हुण एडवांस दुनिया है, हुण छेती समझ आ जाती है। धर्म नाम थले उन्ने गुना हुण नहीं हो सकते जे हुंदे हुण भी ने, पर उन्हां दी आवाज पैदा हो जाती है। सदियां पहला पिछे चले जाओ, जुगां पिछे चले जाओ, उदों हुण नालों ये जुल्म धर्म नाम थले ज्यादा सन, अज घट ने। जुगां पहला ज्यादा सन, इसलिए लोग अजमत लुट्टी जांदी वेख के भी अंधे गूंगे हो चुके सन, उन्हों प्रवान कर चुके सन, बल्कि प्रसन्न होंदे सन जदों किसी की बच्ची धी भैन मंदिर में जाके देवदासी बनती सी, उस अपना फखर ते गौरव समझदा सी कि मेरी बच्ची भी किसी मंदिर में देवदासी है, मन का गौरव हो गया सी। ओ पाप ओ गुना जिहड़ा धर्म नाम थले हो रहा सी, धर्म दे नाम दे सामने सिर झुका देना मनुखी फितरत विच बन गया और अज भी है, जिहड़ा गुना देख रहा। ठीक है, समाज बदल गया, अगे नाल जागृति है, अगे नालों गुना घटिया है, पर खत्म नहीं होया। धर्म नाम थले अजमत हुण भी डेरिया में लुट्टी जा रही है, उत्थे कोई बोलता नहीं। आए दिन पढ़ दे डेरिया वाले लंबे चोलियां वाले दे सामने क्यों नहीं कोई बोलता, क्योंकि धर्म ही अखवांदे ने।
आज भी लूटी जा रही। दौलत गरीब दी दुखां दी कमाई डेरियां दे गुंबजां दे सोनियां दे गुंबजां ते लग रही है, वो दौलत भी लुटी जा रही है। कोई बोलता नहीं क्योंकि धर्म स्थान है ना, धर्म लफज केवल लुट का एक साधन बन गया। किसी दे घर भावे बच्चे लिए रज खाण लिए रोटी ना हो, किसी बच्चे दे तन ते कपड़ा भी खूबसूरत ना हो, बच्चा तरसदा हो, पर सोने का गुंबद लगना जरूरी है धर्म स्थान ते, क्योंकि धर्म है उनके नाल धर्म लफज जुड़ गया। सानू समझना पाएगा, गुरु नानक ने समझे सदियों तो जुगां तो धर्म नाम थले अजमत लुटी जा रही सी, दौलत लुटी जा रही सी, इवन कतल भी हो रहे सन वह भी धर्म नाम थले। जे कबीर नू दरिया विच सुटिया गया, जे मस्त हाथी अगे सुटिया गया, जे करीब कबीर नू चलते हुए तेज दरियावां विच रोड़न की कोशिश की गई तो धर्म नाम थले ही सी। जे गुरु तेग बहादुर साहब नू शहीद किया गया तो धर्म नाम थले ही सी कि मेरा धर्म नहीं कबूलता, मैं धर्म एक कर देना चाहना। एडी अजीब गल है, मैं पिछले दिन चर्च की सी कि अजीब गल है, जेड़ा शहीद कर रहा है वह भी कहता मैं धर्म लिए कर रहा, उनका मसला भी तो धर्म है कि दुनिया का मेरे देश का इको धर्म हो, झगड़े खत्म हो जाए, वो भी कहते मैं धर्म लिए कर रहा। तो जेड़ा शहीद हो रहा है उनके लिए भी आख्या जाता है धर्म हेत सुख सका जनकिया, वह भी किसी का धर्म बचाने की खातर शहीद हो रहा, जो कर रहा वह भी धर्म की है। सोचना पाएगा धर्म का अर्थ की है, सदियों तो ऐसा हो रहा, युगों तो ऐसा हो रहा, पर हो किवें क्यों रहा है? क्योंकि मनुख अंधा ते गूंगा हो गया, इसलिए हो रहा है। धर्म नाम थले कोई जिड्डा मर्जी वड्डा गुना करी जाए कोई बोलदा ही नहीं, सिर चुका देता है, अंधा ते गूंगा हो जाता है। ते जदों किसी ने आवाज ही नहीं देनी, देख के अनडिठ करन दा लफज मैं पिछले दिन बोलिया सा कि भरे देख के अनडिठ करन दा लफज साडे विच कित्थे है, ये किवें पा दिता गया कि संसार अंदर देख के अनडिठ करो, उनके लिए कोई उपराला ना करो, जिन्हें देख के अनडिठ करना है उनके लिए तो कोई उपराला ही नहीं, अखा बंद करो। देख के अनडिठ करन दा जिहड़ा लफज आए तो महात्मा गांधी नाल जुड़दा है, वह कहिंदा अखा बंद करो, कन्न बंद करो, जबान बंद करो, देखने उनके शिष्य जड़े ने उनके सामने सवाल ने कि अखां कन्न ते जबान बंद करो, पर गुरु की गुरमति नहीं कहती। गुरु तो अपनी रचना तो बड़ा स्पष्ट कहता है, हंस से हंसा बग से बग्गा, हंस नू हंस आख वेख के, जे बगला है तो बगले नू बगला कह वेख के, बड़ा फर्क है। वह जेड़े सन जिन्होंने वेख के कुछ नहीं कहना, अंधे ते गूंगे हो गए सन, उन्होंने जुल्म नू जड़ा लाइया सन, जुल्म दियां धर्म के नाम थले इन्ने इन्ने जुल्म इसे लिए हो रहे सन क्योंकि करन वाला समझदा सी धर्म एक ऐसी शक्ति है जिंदे सामने हर कोई सिर चुकांदा है, जो मैं मर्जी करा जाऊं करी जावांगा, हुण ये नहीं बोलणगे। केड़ी अजीब गल है, ना बोलन नाल ना कहन नाल धर्म दे नाम थले जुल्म होए। ते गुरु नानक ने आके वेख्या कि धर्म नाम थले जुल्म हो रहे हैं,
हर अन्याय हर बेइंसाफी हर झूठ धर्म दे पर्दा उड़ी बैठा है। गुरु नानक ने आके एक गल तो पहलों ये समझी ना, अंधे के राह दसी है अंधा होए सो जाए। कह लगे अंधे दे राह दसिया जेड़ा उस पासे तुर पवे ना समझ लो वह भी अंधा है। कह लगे अंधे के राह दसीए अंधा होए सो जाए, होए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए। अखां खोल के देखने वाला जेड़ा है, जेड़ा अखां बंद करके देख के अंडिठ नहीं करता, जेड़ा अखां खोल के देखता है वह पुठे रस्ते उजाड़ वाल क्यों तुरेगा। फैसला बनी दे। कहन लगे अंधे के राह दसी है अंधा होए सो जाए, होए सो जाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए। पर वो की रिया सी समाज विच धर्म नाम थले अधर्म हो रहा सी। कोई बोलता सी गुरु नानक ने सब तो पहला आके जदों इनकलाब दा झंडा चुकया ते उन्हें सब तो पहला आवाज पैदा की। उन्हें आख्या मैं बोलांगा, पुछांगा भी आ तेरा रस्ता किवें है। एहो कारण सी कदी जनेऊ पाना भी तो धर्म सी। असी आम करके वेखने गुरु नानक ने कह दें कि गुरु नानक ने जनेऊ नहीं पाया ना, कर क्यों भी धर्म सी। जनेऊ पहनान वाला धर्म कह के पहना रहा सी। वो कहता सी हिंदू धर्म लई जरूरी है। गुरु नानक ने की आख्या, डंग चुके एक सवाल खड़ा किया, आवाज पैदा की, आख्या ये ब्राह्मण मैं अखां बंद करके तेरी गल सुन के पिछे नहीं तुर पैना, मैनू समझा दे की है। यो गल आखी ना, मैनू समझा दे तेरा जनेऊ की है। कोई जवाब होर नहीं दिता। कह लगे मैं पहनने लई तैयार हां पर मैनू समझा दे। गुरु ने बाणी अंदर बड़ी खूबसूरत गल आखी अज भी। कहन लगे मन के अंधे आप ना बूझो ताहे बुझावो पाई। हे मन दे अंधे तू तो आप नहीं जानना तेरा जनेऊ की है। ते दूजिया नू सिखा रहे हैं जनेऊ पहना धर्म है। श्री गुरु साहिब दी बाणी दी एक होर लाइन है, कहन लगे तुद सिर लिखया सो पढ़ पंडित अवरा नू ना सखाल बिखया। अवरा नू ना सखाल बिखया, पहला फाहा पया पांदे पिछों दे गल चा टुड़िया। जिहड़े तेरे मगर लग के तुरनगे उन्हां दे गल भी फाही पएगी ते तेरे गल भी पएगी, पर पहला तेरे गल पएगी क्योंकि तू अगे लगे होवेगा, वह तो तेरे पिछे लगे ने। जिहड़े तेरे चाटड़े ने तेरे पिछे लग के तुरन वाले तेरे फॉलोअर ने, उन्होंने भी फाई पाएगी, पर पहलों फाहा फाहा पाया पादे पिछों दे गल चाटड़िया। इसलिए मैं चाहना कि इस तरह की मनंदर तवक्को रखना कि सब लोग अखां बंद करके तेरे आखे लग के मगर तुर पैणगे। कहन लगे गुरु नानक आखन लगे मेरे कोल ने एक आवाज ही दिती सी कि मत्थे टिक्का तेड़े होती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई, नील बस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश धान ले पूजे प्राण, आप आख्या का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे न जाना। क्योंकि इस्लामी देसी उदो इस्लामी सरकार से हकूमत सरकार मुसलमान भी सी, उदो झटका ते अपनी मर्जी नाल बनी नहीं सी सकदा जिमें अज मुस्लिम देशों में नहीं बन सकता, इतने भी नहीं सी बनता।
ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਆਵਾਸ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਅੱਜ ਧਰਮ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਧਰਮ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਧੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪੋ, ਅਧਰਮ ਕਹੋ ਕਤੁ ਭਾਈ। ਆਪਸ ਕਾ ਮੁਨਵਰ ਕਰ ਥਾਪੋ, ਕੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ। ਕੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ, ਮਨ ਕੇ ਅੰਧੇ ਆਪ ਨਾ ਬੂਝੋ, ਮਨ ਕੇ ਅੰਧੇ ਆਪ ਨਾ ਬੂਝੋ, ਕਾਹੇ ਬੁਝਾਵੋ ਭਾਈ, ਕਾਹੇ ਬੁਝਾਵੋ ਭਾਈ, ਕਾਹੇ ਬੁਝਾਵੋ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਆਓ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਕਹਿਆ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਸਦੀਆਂ ਯੁਗਾਂ ਜਨ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।